द बी बिट इज योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई बाई योर सेल्फ. लेट एस गो फॉर द 10th क्वेश्चन नाउ. द क्वेश्चन इज वॉट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट, यानी कितना रेट हमको लेना चाहिए कि हमको रुपीज 280 एज इंटरेस्ट मिले ऑन ए सम ऑफ रुपीज 56,000. यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पर 56,000 और ड्यूरेशन है इन 2 ईयर्स यानी टी. तो यहाँ पर देख लीजिए रेट हमको पता करना है, तो यहाँ पर रेट को हम अज्यूम कर लेंगे आर और रुपीज़ 280 एज इंटरेस्ट. तो ये वैल्यू हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की और सम ऑफ रुपीज़ 56,000 ये वैल्यू होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का और 2 ईयर्स जो है ये होगा टाइम का वैल्यू. Now, what we are going to do is, we are going to write it in the given information. Yani given that, to sabse pehle likhenge P, P ka value hai 56,000, rupees 56,000. Uske baad T ka value hai 2 years, time period. And R humko pata karna hai, to question mark likhenge yahan par, R ke jagah pe. And aur ek value humare paas hai simple interest ki. तो उसको भी हम लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 280. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, रेट को कैसे फाइंड करेंगे. एक सिंपल तरीका है कि हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100. ओके, तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट है रुपीज़ 280, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह 280 हो गया. पी की जगह पर 56,000, तो 56,000 इंटू टी यानी 2 इंटू आर यानी सिर्फ आर डिवाइडेड बाय 100. अब देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर ये दो ज़ीरोज़ और ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 280 इज इक्वल टू 560 इंटू 2 इंटू आर. अब नेक्स्ट स्टेप में 280 इज इक्वल टू 560 इंटू 2, 200 26 12, 25 11. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1120 इंटू आर आएगा. अब हमको R चाहिए तो ये इंटू 1120 उधर चला जाए, तो यह क्या होगा 280 बाई 1120 इज इक्वल टू R. 0 0 कैंसिल हो गया. जैसे ही 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ बचेगा 28 बाई 112. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 का टेबल यूज़ करिए, 2 का टेबल यूज़ करके कैंसिल करिए. जैसा न्यूमरेटर में 2 1 2, 2 4 8, उसके बाद 2 5 10, 2 6 12. 7 टेबल यूज़ करिए, अब 7 2 14, 7 8 56. नाउ 2 1 2 टेबल, 2 1 2, 2 4 8. तो हमारे पास रेट क्या आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू आर, आर इज इक्वल्स टू 1/4. इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो वो कैसे करेंगे 4 and 1, 4 0 0, 1 - 0 इज 1, 0.0 आ गया. 4 2 8, 2 बचा पॉइंट की वजह से और एक 0. 4 5 20, तो रेट का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.25. तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 0.25. हमेशा रेट हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल मेंशन करना होगा. देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 0.5%. दैट इज द फाइनल आंसर. लेट अस सॉल्व द 11th क्वेश्चन, द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर. इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम, वॉट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे इंटरेस्ट की वैल्यू है 45, टाइम का वैल्यू है 1 ईयर एंड रेट का वैल्यू है 9. तो हमको पता करना है कि वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी शी हैज़ बोरोड, यानी जो पैसे उसने बोरो किए कितने हैं.
दैट मीन्स हमको यहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है. तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख लीजिए, गिवन दैट. तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है, तो लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू ₹45. उसके बाद फॉर वन ईयर, वन ईयर यानी वो वैल्यू हो गई टाइम की, तो टाइम इज़ इक्वल टू वन ईयर. उसके बाद 9% पर एनम, ये रेट होता है, रेट इज़ इक्वल टू 9% पर एनम. उसके बाद हमको पता करना है प्रिंसिपल, तो इसको भी पता करेंगे सेम मेथड से यानी फॉर्मूला से. तो एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100. तो अब एस आई का जगह पर क्या लिखेंगे हम, ₹45 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल नहीं पता तो पी लिख देंगे. टाइम इज़ वन ईयर तो वन, इंटू आर इज़ 9% पर एनम तो 9 डिवाइडेड बाय 100. अब यहाँ पर देख लीजिए ये बाय 100 को उधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू 199. अब ये इंटू 9 को नेक्स्ट स्टेप में उधर भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 100 बाई 9 इज इक्वल टू पी. अब ये कैसे करेंगे, 9 1 9, 9 5 45. तो अभी 5 × 100 इज नथिंग बट 500 इज इक्वल टू पी. देयरफॉर पी इज इक्वल टू ₹500, विच इज़ आवर फाइनल आंसर. एंड हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर.